छतरपुर में आज बदमाशों के खिलाफ मामा का बुलडोजर कहर बनकर गिरा है। आज सुबह जब लोग सोकर उठे भी नहीं होंगे, तभी पुलिस बल ने सिविल लाइन थाने छुई खदान स्थित है जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। यहां 3 दिन पहले हिस्ट्री शूटर बदमाश दीपू जाटा और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव कर हिस्ट्री शूटर को छुड़ा लिया था, जिसमें एक हवलदार सहित 2 आरक्षक घायल हुए थे। इसी घटना के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शूटर के परिवार के 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हिस्ट्री शूटर बदमाश और उसका पिता अभी भी फरार हैं। पुलिस पर हुए हमले का पुलिस और राजस्व अमले ने कार्रवाई करते हुए दीपू जाटव का मकान जमींदोज कर दिया है। वहीं दूसरी कार्रवाई पन्ना क्षेत्र पर की है, जहां आयकर विभाग 5 करोड़ कीमत का 5 एकड़ जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर गौशाला चला रहा था। उसे भी जेसीबी मशीन से धराशाही कर भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाकर आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया है। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं छतरपुर मौजा के अंतर्गत, आयकर विभाग की जमीन 5 एकड़ थी, जिसमें से 1 एकड़ के लगभग कमल जैन पिता कुन्नलाल जैन के द्वारा बाउंड्री बना के और मकान बना के अतिक्रमण किया गया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के उपरांत इनको बेदखली आदेश जारी किया गया और आज यहाँ पर मौके पर इनका जो अतिक्रमण था उनको हटाया जा रहा है। कार्रवाई के बुलडोजर चला है उनके घरों पर। ये प्रशासन और नगर पालिका द्वारा जो माफिया हैं या फिर अपराधी तौर के लोग हैं, जिनके द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। तो आज दीपू जाटव जिनके करीब 12-13 अपराध था और जिसका घर अवैध बिना परमिशन के नगर पालिका के बनाया गया था। और दूसरा जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनकम टैक्स को जमीन अलॉट की गई है प्रशासन द्वारा।